राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब महज कुछ ही घंटे रह गए हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया पूरी तरह से सक्रिय हैं। मतदान के बाद से ही बताया जा रहा है कि उन्होंने जयपुर में डेरा डाला हुआ है। वो लगातार पार्टी के नेताओं से मिल रही हैं और अपने करीबी निर्दलीय उम्मीदवारों से भी उनकी मुलाकात और बातचीत जारी है। मतगणना से पहले वो साधु संतों से भी आशीर्वाद ले रही हैं। मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए वो पहुंची और यहाँ पर उन्होंने बालाजी के दर्शन किए। जरा देखिए इन तस्वीरों को कि किस तरह से मंदिर में पूजा करती हुई वसुंधरा राजे नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वसुंधरा राजे किस तरह से एक्टिव हैं। क्या वो फिर से राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद को पाना चाहती हैं या फिर उनकी मंशा कुछ और है? कई सारे सवाल उनके इस दर्शन यात्रा पर उठ रहे हैं। बहरहाल 3 दिसंबर को घोषित होंगे नतीजे और उसके बाद साफ होगा कि आखिर राजस्थान में कौन आ रहा है। जबकि जो एग्जिट पोल है उसने साफ कर दिया है कि राजस्थान में बीजेपी की बयार है, लेकिन कांग्रेस इस बात को मानने से इनकार कर रही है। बहरहाल जिस तरह से ये वीडियो सामने आ रहा है और जिस तरह से वसुंधरा राजे पूजा अर्चना करती हुई दिख रही हैं, उससे तो कुछ और ही लग रहा है। चुनाव के नतीजों की घोषणा से पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गतिविधियों को लेकर खूब चर्चा भी बनी हुई है। शुक्रवार को वो राज्यपाल कलराज मिश्र से भी मिलने पहुंची थी, जहां बताया जा रहा है कि कई पहलुओं पर चर्चा हुई। इस मुलाकात से राजनीतिक अटकलें भी लग रही हैं, लेकिन अटकलों पर पूर्व सीएम ने कोई टिप्पणी नहीं की है। खासकर आने वाले चुनावी नतीजों के मद्देनजर इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। शनिवार सुबह पुष्य नक्षत्र के शुभ अवसर पर राजे ने मोती डोंगरी गणेश मंदिर में भी दर्शन किए, पूजा अर्चना की और भगवान गणेश से आशीर्वाद लिया। साथ ही साथ चर्चा का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि वो लगातार निर्दलीय विधायकों से बातचीत कर रही हैं और जो बागी विधायक हैं उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। हालांकि इस बात पर कितनी सच्चाई है ये तो वसुंधरा राजे ही जाने, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि उनके इस बातचीत की वजह से काफी चर्चाएं हो रही हैं। वहीं इसके साथ सोशल मीडिया पर इस बीच वसुंधरा राजे काफी छाई हुई हैं। उनके एक पुराने वीडियो को शेयर किया जा रहा है जिसमें वसुंधरा राजे कथित रूप से बीजेपी के बागी निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी को बधाई देती हुई नजर आ रही हैं। जयपुर आ रहे हैं, जयपुर 3 तारीख को सर्टिफिकेट लेके आवे ना मैम। इसके बाद राज्य के कार्यालय ने एक बयान भी जारी कर स्पष्ट किया है कि वास्तव में ओलंपियन नीरज चोपड़ा को बधाई देने का उनका ये वीडियो है। हालांकि जो बातचीत हो रही है वो कुछ और कहती है जो कि पुरानी बताई जा रही है। ये वीडियो काफी पुराना है लेकिन सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी ट्रेंडिंग चल रहा है। बहरहाल राजस्थान में किसकी सरकार बनती है, किसका भाग्य चमकता है, किसको जनता इन करती है और किसको आउट करती है, ये 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। नीतू गौरकिला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।